नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए विशेष बात और खास बात, आज का विशेष टॉपिक सावन के ये वास्तु उपाय मीन राशि को एजुकेशन में सफलता दिलाए, लव में सफलता दिलाए, साथ बसाथ में संतान को अच्छा बनाए। तीनों चीजें एक साथ, एजुकेशन, लव लाइफ, संतान सुख, बहुत विशिष्ट। और सावन ही क्यों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या कनेक्शन है वास्तु दोषों का सावन से। आपने देखा होगा सावन के महीने में बहुत ज्यादा बरसात पड़ती है, दीवारों में सीलन आ जाती है, हर जगह भीग जाती है, बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। साथ बसात के अंदर ये महीना गैस्ट्रिक से संबंधित भी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करता है। ये एक ऐसा महीना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, आपका मन प्रकृति के कारण इधर उधर भागता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। और स्पेशली मीन राशि और मीन लग्न के लिए वास्तु पुरुष और काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा जो है वो पाँचवें भाव का स्वामी है। पांचवा भाव इंडिकेट करता है एजुकेशन को, पांचवा भाव इंडिकेट करता है लव लाइफ को, पांचवा भाव इंडिकेट करता है संतान को। तो तीनों चीजें एक ही साथ चलती हैं। चंद्रमा संतान पक्ष का भी स्वामी है, चंद्रमा आपकी कुंडली में और वास्तु अनुसार आपके एजुकेशन का भी स्वामी है। चंद्रमा आपके कुंडली में सर्वप्रथम जो है वो स्वामित्व करता है आपके लव लाइफ का भी। तो प्रेम, ज्ञान और संतति तीनों चीजें एक ही से देखी जाती है पांचवें भाव से, और आपकी कुंडली में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट चंद्रमा है, पांचवें भाव का स्वामी है। पांचवा भाव इकोनॉमिकल हाउस भी कहा जाता है। पांचवें भाव से ना ही सिर्फ ज्ञान, प्रेम और संतति देखी जाती है, पांचवें भाव से इनकम भी देखी जाती है, जनरेटेड इनकम, क्योंकि इसका रेसिप्रोकेटिंग हाउस ग्यारहवां भाव भी होता है। इसी कारण से अगर आपके घर में चंद्रमा आपकी कुंडली में या आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से आपके संतति सुख, ज्ञान और रोमांस, इन तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या ऐसे वास्तु दोष हैं जो आपकी लव लाइफ को बिगाड़ते हैं, आपके एजुकेशन सेक्टर को बिगाड़ते हैं, आपको कंसीव नहीं करने देते, आपके बच्चों के लिए समस्या पैदा कर देते हैं या बच्चों में समस्या पैदा कर देते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, आपकी राशि और लग्न का स्वामी बृहस्पति है जिसकी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण। अगर आपके घर के ईशान कोण में कोई गटर बना हुआ है, कोई टॉयलेट बना हुआ है, कोई नाली गुजर रही है उस डायरेक्शन से घर के अंदर से होते हुए, तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। अगर आपके घर के आमने सामने कहीं भी कांटेदार या दूध वाले पौधे लगे हुए हैं जिनको तोड़ने से उसमें से दूध निकल आता है, जैसे आंकड़े का पेड़ हुआ या बबूल हुआ, इस तरीके के अगर कुछ पौधे लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, वो कंटक समाधि व्यक्त में आ जाता है। साथ बसात इस डायरेक्शन के अंदर अगर आपका स्वच्छ जल कहीं ना कहीं गंदा हो रहा है, अगर आपकी नल की पाइपलाइन के अंदर कहीं कुछ समस्या है उत्तर पूर्व के अंदर, क्योंकि ये स्थान जल का स्थान भी है, तो बड़ी समस्या आ जाती है। आइए इसका सिग्निफिकेशन जानते हैं क्या है और चंद्रमा आपकी दिशा में कैसे पीड़ित होता है। सात दशात के अंदर चंद्रमा की दिशा कौन सी, चंद्रमा की दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम है। अगर उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आपने अपनी पूजा का स्थान बनाया हुआ है या वहाँ बहुत ज़्यादा मसाले और FMCG का सामान पड़ा है, जैसे कच्चे चावल पड़े हैं या दालें पड़ी हैं, तो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम ये ज़्यादा क्रिएट करता है। और ये अगर दिशा उत्तर पश्चिम दिशा बहुत ज़्यादा भारी हो गई है और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी रख दी है, तो भी ये समस्याएं ज़रूर आती हैं। आइए इन समस्याओं पर रूबरू होते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपके घर के अंदर आपका देव स्थान अगर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है, तो निश्चित रूप से समस्या ज़रूर आएगी, और वो भी समस्या ये आएगी कि आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, साथ ब साथ के अंदर आपकी लव लाइफ भी दिक्कत में आ जाएगी। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो वो शायद होता नहीं, एक विशेष तौर से ये प्रॉब्लम आती है। साथ बसात के अंदर जिन घरों में जवान बच्चियां हैं, जो सयानी हो गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है मासिक धर्म के समय, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ वास्तु दोष ज़रूर है,
आपके चंद्रमा से संबंधित, और ये विशेष तौर पर ज़्यादा प्रॉब्लम सावन के महीने में करता है और इसके उपाय भी सावन में ही होते हैं, तो इस बात को समझने की प्रोसेस करें। अगर आपके घर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं मीन राशि मीन लग्न के, तो बड़ी समस्या है। अगर आपके घर में जो छोटी बच्चियां हैं अगर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो समस्या है। अगर आपके घर में जवान बच्चियां हैं जो अभी अभी यंग हुई हैं, अगर उनके साथ में कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं तो ये प्रॉब्लम है। या वो महिलाएं जो युवावस्था में हैं, अगर उनको गोनोरिया लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम है तो ये चंद्रमा से संबंधित समस्या है। सात ब सात के अंदर अगर आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा के अंदर सीलन आ रही है, या उत्तर पूर्व दिशा के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर गंदे पानी का स्थान है, तो ये समस्या ज़रूर आएगी। सात ब सात के अंदर आपके घर में अगर उत्तर पश्चिम दिशा पूरी तरीके से बंद है, वहाँ पर बिल्कुल भी उजाला नहीं होता, हवा नहीं आती उधर, और वहाँ पर बदबू हो गई है, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण के अंदर टॉयलेट से, गंदे पानी के बहाव से भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। इसके साथ साथ ये क्या प्रॉब्लम और क्रिएट करता है, ये बैड लक देता है, बच्चियों को बीमार पड़ता है, गोइंग स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा करता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आपकी लव लाइफ को ख़राब करता है, आपकी रोमांटिक लाइफ को ख़राब करता है, और वो जो लोग हैं जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं है ना, वो लोगों को निराशा हाथ लगती है, कंसीविंग पावर कम हो जाती है। और इसके वास्तु दोष मैंने आपको बता दिए, अब आपको जनरल उपाय बताता हूँ, 5+5 विशेष उपाय कि इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाई जाए, और आखिरी के अंदर विशेष उपाय। देखिए आपके पांचवें भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए जो आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर उसमें एयर का समान बिल्कुल व्यवस्था करें, एक सीलिंग फैन लगाएं और वो भी वाइट रंग का सीलिंग फैन लगाएं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जो आपकी दीवारें हैं उन पर वाइट पेंट हो और वाइट पर्दे हों जो हवा में हिल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था जरूर करें, चाहे वो सीलिंग फैन की हवा से ही हिल रहे हो, नेचुरल हवा से ना हिल रहे हो। सात ब सात के अंदर एक और व्यवस्था करें कि इस डायरेक्शन के अंदर आपको चंद्रमा को कायम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शाम का एक चित्र लगाना है, शाम का जहाँ झरना जो है वो बह रहा है पहाड़ियों से और चंद्रमा पूरा निकला हुआ है, तो उस डायरेक्शन में लगाएं और पानी का फ्लो का जो चित्र है वो उसमें ज़रूर समाहित रहे, ठहरा हुआ पानी ना हो, बहरा हो पानी और पानी एकत्रित होकर बहरा हो, और सात ब सात के अंदर उसके पीछे से चंद्रमा निकल रहा हो शाम का समय, नाइट वाला चंद्रमा ना लगाएं, शाम का समय वाला चंद्रमा लगाएं। और ख़ास इंपॉर्टेंट बात क्या, इस डायरेक्शन के अंदर सफ़ेद रंग का प्रयोग करें और सफ़ेद पर्दों का ही प्रयोग करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर की आपकी उत्तर पूर्व जो दिशा है वहाँ पर आप अपने देवालय बनाएं, और सात ब सात के अंदर इस दिशा के अंदर आप एक काम करेंगे, कांच की बोतल के अंदर आप 5 लेब्रोडाइट गंगा जल में भर के घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में स्थापित करें। सात ब सात के अंदर आपके घर की उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण के अंदर आप एक पारद शिवलिंग की व्यवस्था करेंगे, पारद शिवलिंग रखेंगे ताकि इस डायरेक्शन में शिव का वास हो, क्योंकि ये दिशा ऑलरेडी ईशान है, इस दिशा को रिचार्ज करेंगे। सात ब सात के अंदर किसी भी तरीके का कोई गटर इस डायरेक्शन में ना हो, अगर आपके इस डायरेक्शन के अंदर कोई टॉयलेट है, कोई वॉशरूम है जहाँ पर गंदगी निकलती है, तो उस दिशा को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट यानी कि जो सेंधा नमक होता है डेली वाला, उसके अंदर आप सिट्रीन के ध्यान रखिएगा, सिट्रीन के आप 5 पीसेस रखेंगे और गुरुवार के गुरुवार उस नमक को धूप दिखाएंगे, उसके अंदर से मॉइस्चर उड़ाएंगे क्रिस्टलाइन सॉल्ट में, और ये जो आपके सिट्रीन है 5 इसे धोकर वापस इसे टॉयलेट में रख देंगे। इस बात का बिल्कुल विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। सात ब सात के अंदर एक विशेष और ख़ास उपाय, पश्चिम दिशा के अंदर आप एक विशेष काम करेंगे, वो ये कि एक पीले कपड़े के अंदर पीतल का एक टुकड़ा, एक साबुत जो है लाल मिर्च और चना दाल बांधकर आप घर की उत्तर पूर्व दिशा के अंदर इसे कायम करेंगे। अब विशेष तौर पर जिन बच्चों को एजुकेशन में सक्सेस चाहिए, अगर आपको रोमांस में सक्सेस चाहिए, अगर आपको अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक विशिष्ट उपाय, आप अपने घर के सेंटर में जो ब्रह्म केंद्र होता है वहाँ पर एक नवरत्न कछुआ, जो वास्तु का एक स्पेशल प्रोडक्ट है, एक नवरत्न कछुआ
आप कांच के बाउल में रखेंगे और जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसे थोड़ा सा भिगो के रखेंगे ताकि उसकी टांगे जो हैं वो भीगी हुई रहें। इसे आप घर के अगर केंद्र में प्लेस करते हैं तो आपका संतति सुख की प्रॉब्लम, आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम, आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे वास्तु के बाद कमल नंदलाल के साथ में, हमारे रेगुलर वास्तु के उपायों के साथ, हमारे वास्तु रेगुलर वास्तु शोज़ के साथ में। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ तो बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार।